आप सबको मेरी ओर से जोहार है। मैं आज कुछ विशेष भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं, मूड में भी नहीं हूं, लेकिन बस थोड़ा सा यही कहना चाहूंगा कि ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से भी ऊपर ये महापंचायत है। जाति, धर्म, वर्ग और पूरे झारखंड के लिए श्रम आम जन ही नहीं बल्कि इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के जीव जंतुओं के लिए भी यह महापंचायत है। यहां पर कार्ययोजना सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, उनके बारे में जो चर्चाएं होती हैं और नीतियां बनती है, यहां से भी कई विधेयक पारित किए जाते हैं, उसमें आम लोगों के साथ साथ राज्य के जीव जंतुओं के लिए भी विचार विमर्श होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभाओं की महत्ता क्या है। निश्चित रूप से आज जो भी यहां पहुंचते हैं हजारों लाखों लोग मिलकर अपना एक प्रतिनिधित्व इन जगहों पर भेजते हैं काफी आशा उम्मीद के साथ। यहां तक कि आपको ऐसे निर्णय भी यहां से करने पड़ते हैं, ऐसे विचारों को भी रखना पड़ता है जिनकी आवाजें जो ना बोल सकते हों, ना आपके साथ रहते हों, उनकी भी आपको आवाज बननी पड़ती है। और सही तरीके से इस महापंचायत में पंचायती हो, इसी के लिए एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हर पहलू के दो हिस्से जरूर होते हैं, एक हां ना दोनों होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आज हमें हर हाल में इस लोकतंत्र के इस महापंचायत को टूटने से, ढहने से, इसको नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा। समय अवधि के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव होती है। मुझे नहीं लगता कोई चीज में बदलाव नहीं होता हो, हर चीज में बदलाव होता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, सभी चीजों में बदलाव होती है। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव बुरे भी होते हैं। तो मेरा यह मानना है ये भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज इस लोकतंत्र का लोग लोहा मानता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे, चाहे महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, उस समय के लोकतंत्र और आज के लोकतंत्र को अगर हम देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और उस बदलाव
में हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, उन सभी चीजों को लेते हुए हम आज देश आजादी के 75वें साल और हमारी इस राज को अलग हुए 23वें साल में चल रहे हैं। और लोकतंत्र का असल परिभाषा जो निकलता है वो विधायकी कार्य से ही निकलता है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा इस महापंचायत में कैसे पंचायती की जाती है। इसलिए हमें बेहद गंभीरता के साथ, मान सम्मान के साथ आज ऐसे संस्थानों के प्रति अपनी संवेदनाएं और अपनी कर्तव्यों का निर्वहन हमें करने की आवश्यकता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता, बिना आग का धुआं भी नहीं निकलता। तो इसलिए इस महापंचायत में विधायकों की बहुत अहम भूमिका होती है। हमारे इस विधायक कार्य के और राज्य के सर्वा हमारे राज्य के गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल महोदय हैं। आज सरकार के हर निर्णय पर इनका मोहर लगता है। तत्पश्चात महापंचायत का, पंचायती का पूरा प्रक्रिया पूरा होता है। आज इसीलिए आज इस स्थापना दिवस में हम लगभग यहां कोई आम सभा नहीं है जहां हम बाहर से लोगों को आमंत्रित करते हैं। कमोवेश विधानसभा के ही सभी सम्मानित सदस्य हैं, विधायिका के, कार्यपालिका के लोग हैं, पत्रकार हैं और हमारे बीच में हमारे इस महापंचायत में आके पंचायतों की आखिरी मोहर लगाने वाले राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, ताकि हम इस महापंचायत के इस शुभ अवसर पर मिलजुल कर इस दिवस को मनाएं और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसको और मजबूत करें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान, जिसके जिसको लेकर आज तक हम यहां आए हैं, उसे और आगे मजबूती के साथ ले जा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। जितने लोग पुरस्कारित हुए हैं उन सब लोगों को जोहार है।